हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको आईपी एड्रेस समझाने जा रहा हूं। आईपी एड्रेसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको मालूम होगा आईपी एड्रेसिंग। और अगर नहीं है, आप स्टूडेंट हैं और बनने जा रहे हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको आईपी एड्रेसिंग का ज्ञान जरूरी होता है। तो स्पेशली ये ट्यूटोरियल एकदम बिगनर्स के लिए है जिनको आईपी एड्रेसिंग में बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि एकदम शुरू से मैं बताने जा रहा हूँ आईपी एड्रेसिंग के बारे में। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं आईपी एड्रेसिंग होती क्या है। आईपी एड्रेस एक तरह की एड्रेस है जो क्या करती है, इसी के माध्यम से हम कोई इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे कोई भी डिवाइस हो। जो भी डाटा ट्रांसफरिंग होती है वो आईपी एड्रेस के द्वारा ही होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको हमें कोई लेटर भेजना है या मैसेज भेजना है, आपके मोबाइल में हमें मैसेज भेजना है, तो आपके मोबाइल नंबर हमारे पास होना जरूरी है, तभी हम मैसेज भेज पाएंगे। इसी प्रकार एक कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो एक उस कंप्यूटर का एड्रेस होना जरूरी होता है। इसी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेसिंग से पहले मैं बता दूं, जो एड्रेसिंग होती है दो प्रकार से होती है। हम आईपी एड्रेसिंग के बजाय मैं एड्रेसिंग की बात करता हूं तो ये दो प्रकार से डिवाइड है। एक होती है जो उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस और एक होती है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, हमारे कंप्यूटर में फिक्स होता है, इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं, राइट? जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका पूरा नाम होता है, मैक एड्रेस। हर एक कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होगा, उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक एड्रेस एलोकेट होगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी समय एक एड्रेस इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं मैक एड्रेस। वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब ये कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस हम चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चेंज ना किया जाए, राइट? इसी प्रकार आपके मोबाइल में भी एक फिजिकल एड्रेस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस। ये जो होती है एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल क्या होता है, जिसमें नंबर एंड अल्फाबेट दोनों नंबर होते हैं, राइट? उसी को हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। स्पेशली ये स्टार्टिंग होती है 0 से 9 एंड A to F। तो आपको जो भी हेक्साडेसिमल नंबर मिलेगा, अगर आप किसी कंप्यूटर का हेक्साडेसिमल नंबर चेक करना चाहते हैं, मींस मैक एड्रेस चेंज चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड है आपको CMD में जाकर और लिखना है गेट मैक। ये कमांड आप लिखेंगे तो आपको उस कंप्यूटर का पर्टिकुलर मैक एड्रेस आपको मिल जाएगा, ओके? तो आई होप आपको मैक एड्रेस के बारे में समझ में आया। फिजिकल एड्रेस के बारे में, ये चेंज नहीं होता है। तो हमें क्या मैक एड्रेस डालना होता कंप्यूटर में? नहीं, मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको हमें ना तो चेंज करना रहता ना तो चेंज होता है। हमें जो करना रहता है वो क्या करना रहता है, लॉजिकल एड्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसी को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस जो होती है इसके दो वर्जन होते हैं। आईपी का पूरा नाम होता है आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ओके? ये दो वर्जन इनकी आती है, एक होती है आईपी वर्जन 4 और एक होती है आईपी वर्जन 6। अगर हम आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 की कंपैरिजन करेंगे तो आईपी वर्जन 4 जो होती है 32 बिट का एड्रेस होती है और ये जो होती है 128 बिट का एड्रेस होता है। तो जो हम लोग कंप्यूटर में असाइन करते हैं वो आईपी वर्जन 4 होता है। तो हम स्पेशली बात करेंगे आईपी वर्जन 4 की इस ट्यूटोरियल में, राइट? तो अगर हम आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं तो ये जो होती है एड्रेस, ये 32 बिट का एड्रेस होता है, 32 बिट एड्रेस होता है, और ये जो होता है डॉट से सेपरेट होता है, सेपरेटेड
विद डॉट, डॉट से ये सेपरेट होता है अलग अलग ऑक्ट, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू ऑक्टल, डिवाइडेड इनटू ऑक्टेड। ये ऑक्टेड में क्या होता है, डिवाइड होता है। कैसे, अगर एक एड्रेस, हम एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, एक एड्रेस अगर हमारे पास है, कुछ भी हम ले रहे हैं, यहां पे ले ले रहे हैं 128 और 125, 10 एंड कुछ 75, ऐसा कुछ ले लिया, तो आप ये देख रहे हैं हमेशा जब भी आप आईपी देखेंगे तो ऐसे ये रहेगा। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑक्टेट हो गया, एक ऑक्टेट ये हो गया, हमेशा ये चार ऑक्टेट में रहेगा आईपी एड्रेस। जब भी आप कोई आईपी देखेंगे तो चार ब्लॉक में रहेगा, हमेशा कोई भी रेंज का आईपी हो ये चार ब्लॉक में रहेगा, चार ऑक्टेट इसीलिए बोलते हैं, राइट। तो अब ये चार ऑक्टेट जो होता है, बेसिकली इनको दो पार्ट में बांटा गया होता है, कि एक नेटवर्क आईपी होता है, नेटवर्क आईडी जिसे बोलते हैं, एक होस्ट आईपी होता है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो चार ऑक्टेट होता है, हर एक ऑक्टेट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ये जानना है हमें। एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां पर, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको मालूम हो जाएगा। यहां से हम ऑक्टेट बना लेते हैं, यहां से आठ ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं इनको, तो स्पेशली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, राइट। अगर इसकी वैल्यू हम देखेंगे, 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 5, 6 and 7, अगर इनको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128, हमेशा ये नंबर आपको याद रखना है, ये हमेशा ये काम में आएगा। अगर आप सबनेटिंग भी करना चाहते हैं बाद में तो तब भी आपको याद रखना रहता है। एक ऑक्टेट की वैल्यू, आप 5 नंबर में क्या है, 6 नंबर पे क्या वैल्यू रहेगा, 4 नंबर पे क्या वैल्यू रहेगा, ये याद होना चाहिए, ओके। तो अगर इसको ऐड करोगे, आप कैलकुलेट करोगे इनको, तो इसकी वैल्यू आएगी 255। तो अगर हम पूछे आपसे कि हर एक ऑक्टेट की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 0 से लेकर 255 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 255, 0 इसकी क्या होगी मिनिमम 0, मैक्सिमम कितनी होगी 255 इसकी क्या होगी 0, मैक्सिमम क्या होगी 255 इसकी भी वैसे ही होगी, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो सकता है, सबसे कम वैल्यू कौन होगी 0 होगी, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन होगी 255, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी अगर कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब मैक्सिमम वैल्यू रहेगी तो कितना आएगी 255। इसी को देखते हुए आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और पांचों क्लास का रेंज अगर देखेंगे तो वो रेंज जो रहेगा 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसिंग के रेंज के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम वैल्यू होती है, हर एक ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी 255। तो इसीलिए आईपी वर्जन को, आईपी को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर आईपी रेंज की हम बात करेंगे तो ये रेंज जो होता है, आईपी का रेंज, इसका रेंज जो होता है 0 से लेकर 255, और इस रेंज को 5 क्लासेस में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं यहां पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इसका रेंज जो रहेगा 0 से लेकर 126, इसका रेंज रहेगा 128 से लेकर 191, इसका रेंज रहेगा 192 से लेकर 223, इसका रेंज रहेगा 224 से लेकर 239, इसका रेंज रहेगा 240 से लेकर 255। आप देख सकते हो स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से, और मैक्सिमम कहां गया 255।
राइट, तो इसी के आधार पे इनको क्लासेस में बांटा गया, 5 क्लास में। बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं क्लास ए बी सी आई पी यूज करते हैं, क्योंकि डी जो होता है मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, बहुत स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, और ए जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम जो भी असाइनिंग करते हैं क्लास ए बी या सी आई पी करते हैं, राइट, जिसका रेंज अब आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो, अगर आप कहीं पे चाहे इंटरनेट में मोबाइल में चाहे कहीं पे आईपी देखते हैं, अगर ये स्टार्टिंग वैल्यू ऐसे आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास ए से बिलोंग करता है या क्लास बी। अगर इसकी पूरी वैल्यू पूरी रेंज देखोगे, क्लास ए की पूरी रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहां से हो जाएगी। अब ये जीरो तो असाइन करेंगे नहीं हम, 1.0.0.0 ये रहेगी, और मैक्सिमम रेंज कितनी रहेगी, 126.0.0.0 ये रहेगी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लास पी की, तो ये मिनिमम रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम रेंज हो जाएगा 128.0.0.0, और मैक्सिमम रेंज इसका कितना हो जाएगा, 191.0.0.0, ऐसे इस प्रकार से हमारी रेंज आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्लास सी का निकाल सकते हैं, 192 मिनिमम रेंज रहेगी और मैक्सिमम रेंज ये रहेगी। अब ये जानना है हमें, ये जो रेंज आपको दिख रही है क्लास ए क्लास बी क्लास सी, इसको दो टाइप्स में बांटा गया है, एक होती है प्राइवेट आईपी और एक होती है पब्लिक आईपी। ओके, तो प्राइवेट आईपी की अगर हम बात करें, आईपी रेंज को दो प्रकार से बांटा गया है यहां पर, एक होती है प्राइवेट आईपी और एक होती है पब्लिक आईपी। पब्लिक और प्राइवेट की अगर हम बात करेंगे, तो प्राइवेट आईपी जो होती है ये फ्री होती है, रजिस्टर्ड नहीं होती है, और ये फ्रीली आपको मिल जाएगी, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में असाइन कर सकते हैं, कोई पेमेंट नहीं करना रहेगा। बट अगर आप पब्लिक आईपी लेते हैं तो इसके लिए आपको पेमेंट करना रहेगा, राइट, इसको खरीदना रहेगा आपको। ये रजिस्टर्ड होती है, इसीलिए स्पेशली इंटरनेट में जो होती है वो पब्लिक आईपी रेंज आपको मिलती है। अब ये क्या रेंज है, प्राइवेट के लिए 3 आईपी एड्रेस, हर एक क्लास का एक एक आईपी, फुल आईपी रेंज फिक्स किया गया है। अगर पहला आईपी हम बात करें जो क्लास ए के लिए है, ये दिया गया 10.0.0.0 से लेकर, और ये यही रहेगा 10.0, ये कितना 10 डॉट ही सीरीज रहेगा ये, राइट। और क्लास बी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये रहेगा 120, ये क्लास बी के लिए जो आईपी प्राइवेट आईपी रिजर्व किया गया है वो है 172.16.0.0, और क्लास सी के लिए 192.168.1.0। अब यहां पे आपको ये जानना है कि क्लास ए, क्लास ए में 10 के अलावा जितनी आईपी रेंज है ये सभी क्या है, पब्लिक है। अगर आपसे कोई पूछता है 11.0.0.0 कौन सी आईपी है, तो आप क्या कहेंगे, पब्लिक है। आप 125.0.0 देखेंगे, क्या है, पब्लिक आईपी है, चाहे वो क्लास ए से बिलोंग करता हो, क्लास बी से या क्लास सी से। केवल 3 रेंज ऐसे हैं जो प्राइवेट आईपी हैं। ओके, अब हमें ये जानना रहेगा कि ये जो आईपी एड्रेस हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नेटवर्क आईपी एंड होस्ट आईपी। ठीक है, जो भी आईपी है उसको दो पार्ट में बांटा जाएगा, नेटवर्क आईपी एंड होस्ट आईपी। कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, आप यहां देखो, एक एक क्लास का मैं बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए के लिए। क्लास ए के लिए अगर आप जानते हैं 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड रहता है, राइट। तो क्लास ए के केस में एक जो रहेगा नेटवर्क आईपी, नेटवर्क आईडी रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, होस्ट आईपी रहेंगे। तो अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसकी वैल्यू क्या है, कितनी, 8 बिट का एड्रेस हो गया नेटवर्क आईपी जो पूरा फुल रहेगा, और होस्ट के लिए कितना हो जाएगा, ये 8 8 8 24 24 बिट जो होती है ये होस्ट के लिए होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो नेटवर्क आईडी रहेगा हमेशा ये 1 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, और होस्ट आईपी हमेशा आपको 000 मिलेगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप यहां पे, इसकी अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा
इसकी अगर पूरा वैल्यू कैलकुलेट करोगे 1111 तो ये क्या मिल जाएगा 255.0.0.0। इसी को हम बोलते हैं सबनेट मास्क। तो क्लास ए का ये सबनेट मास्क होता है, राइट। अब आईपी एड्रेस क्लास ए का कोई भी रेंज आप आईपी डालोगे, अगर क्लास ए से बिलोंग करता है तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ये वाला ले लेगा ये। अब हम बात करते हैं क्लास ए का, अगर कोई आईपी है उसको हमें देखना है कि नेटवर्क आईडी क्या रहेगा, तो कैसे हम करेंगे। अगर मान लो कोई एग्जांपल के लिए कोई आपको दे दिया 123.16 या ऐसे दे दिया 123.16.10.75 ऐसा कोई आईपी दे दिया, तो आप कहोगे कि क्लास ए का आईपी है क्योंकि रेंज जो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर 0 से लेके और 126 के अंदर में 123। बट यहां पे तो 00 है, यहां पे 00 दिया है, यहां पे तो कुछ और आ रहा है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हमेशा इस रेंज में पहला जो ऑक्टेट हो तो पहला जो बिट है उसी को देखना रहेगा, पहला जो रेंज है पहला ऑक्टेट है इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू अगर इसमें से किसमें से मैच कर रहा है वही क्लास आपका है, ये जानना है। तो आप देख सकते हैं क्लास ए का आईपी है। तो अगर इसका आईपी क्या हो गया, आईपी ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है इसका नेटवर्क आईडी हमें बताओ, तो नेटवर्क आईडी में क्या हो जाएगा, क्लास ए में क्या है नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क आईडी रहेगा, बाकी सभी होस्ट, और होस्ट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 00000 सभी रहती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 11 होती है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 123 डॉट, ये क्या हो जाएगी सभी 000। तो इसीलिए इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी, जी सबनेट मास्क इसका क्या हो जाएगा, मतलब कोई आपको आईपी दिया, एक आईपी दिया, कहेगा इसका सबनेट मास्क बताओ और इसका नेटवर्क आईडी बताओ, तो ये हो जाएगी हमारी नेटवर्क आईडी। इसका सबनेट मास्क आप देख सकते हो यहां पे 255.0.0.0, इस तरह से आपको फाइंड करना रहेगा। अगर हम बात करते हैं क्लास बी की, तो क्लास बी के केस में दो नेटवर्क हो जाएगा, अगर हम क्लास बी की बात करेंगे तो यहां पे दो नेटवर्क हो जाएगा और दो होस्ट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा सबनेट मास्क वहां 255.255 हो जाएगा। अगर हम क्लास सी की बात करेंगे, अगर हम क्लास सी की बात करेंगे तो यहां पे तीन नेटवर्क हो जाएगा और एक होस्ट रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी आईपी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किसी भी आईपी की एक आईपी एड्रेस होती है, एक नेटवर्क आईडी होती है और एक सबनेट मास्क होता है। ये नेटवर्क आईडी अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर करोगे वहां पे बहुत बड़ा रोल होता है इसका, क्योंकि जब हमें रेंज डिफाइन करना होता है ये नेटवर्क पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स हैं, इनका ये नेटवर्क है, तो वहां पे नेटवर्क आईडी आपको देना रहेगा, यहाँ पे ये नेटवर्क आईडी ऐसे रिप्रेजेंट करना रहता है आपको, राइट। और सबनेटिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सबनेट मास्क भी जानना रहेगा। देखो मैं उस लेवल से नहीं जा रहा हूं, ये बेसिक लेवल है, इतना सबको मालूम होना चाहिए। मेरा एम है, इस चैनल का एम है टू मेक यू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टू मेक यू डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, टू मेक यू सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो हम बहुत ज्यादा राउटर एंड सीसीएनए पे उस रूट पे हम नहीं जा रहे हैं, सर्वर रूट पे जा रहे हैं, राइट। और यही, और हमारा स्पेशलाइजेशन भी इसी में है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो कोई भी आईपी रेंज आप निकाल सकते हो ऐसे, राइट, चाहे क्लास सी, अभी इसको याद रखना है क्लास सी में तीन नेटवर्क। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस हम नेटवर्क में किस क्लास में कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स क्लास ए में, क्योंकि क्लास ए के केस में एक नेटवर्क रहेगा, तीन होस्ट रहेगा। सो गाइस यहां देखिए आप क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अगर हम देखेंगे क्लास ए में तो एक नेटवर्क है और तीन होस्ट बिट है, राइट। तो अगर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इतने ढेर सारे कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं और ये नेटवर्क रिजर्व रहेगा नेटवर्क आईडी के लिए, राइट। तो कंप्यूटर की बात करेंगे तो क्या फार्मूला रहेगा, 2^h-2, तो इसकी बिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2^8^24 जितना कैलकुलेट करोगे उतने कंप्यूटर आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लास बी की बात करो तो 2^8 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 बिट का होस्ट, राइट। तो ये 16 माइनस टू,
अगर क्लास सी में बात करेंगे तो 2^8 - 2, क्योंकि एक ही बिट यहां पर क्या है, होस्ट है, बाकी 3 बिट हमारे नेटवर्क के लिए हैं। तो अगर आपसे कोई देता है, आपको कोई एक एग्जांपल देता है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल दिया, सपोज करो 221. यहां पे डॉट देखो, सेपरेटेड विद डॉट, हमेशा ऐसे आप लिखते हैं, डॉट 175.91.65, ऐसा कोई दिया कि ए आई पी है और इस आई पी का हमें नेटवर्क आई डी बताओ और सबनेट मास्क बताओ। तो आप नेटवर्क आई डी और सबनेट मास्क कैसे फाइंड करेंगे, राइट? सबसे पहले हमें जानना रहेगा कि ये आई पी जो है किस क्लास से बिलोंग करता है। तो किस क्लास से बिलोंग करता है, आप देखेंगे 221 इसमें तो बिलोंग करेगा नहीं, 191 तक है, इसी में आएगा, राइट? तो मतलब क्या है, क्लास सी का है, क्लास सी से बिलोंग करता है। तो ये आईपी क्या हो जाएगी, क्लास सी। ओके, क्लास सी में कितने नेटवर्क बिट है, यहाँ पे देखेंगे 3 नेटवर्क बिट है, राइट? 3 नेटवर्क बिट है और 1 होस्ट बिट है। तो आपका नेटवर्क बिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेटवर्क बिट एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे, 221.175.91.0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क बिट ऐसे। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसका सबनेट मास्क, तो क्या हो जाएगा सबनेट मास्क, सबनेट मास्क हम देखें 3 बिट यहाँ पे 255.255.255.0। तो नेटवर्क बिट और सबनेट मास्क हमेशा होस्ट जो रहेगा लास्ट का वो 0 ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे 175.16.0.0 ऐसे। तो ये किसका है, तो 175 ये किसका रहेगा, क्लास बी का रहेगा। तो इसका नेटवर्क बिट क्या हो जाएगा, 175.16.0.0 ये नेटवर्क बिट हो जाएगा, नेटवर्क आईडी हो जाएगा, सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, 255.255.0.0, क्योंकि क्लास बी में आप देखोगे तो 2 नेटवर्क बिट है और 2 होस्ट है, राइट? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। आई होप आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैंने क्लास ए का रेंज दिया यहाँ पे 0 से लेके 126 और यहाँ पे रेंज दिया 128 से लेके 191, 127 को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। एक्चुअली क्या होता है, 127.0.0.0 ये पूरा रेंज जो होता है इसको हम रिजर्व कर रखें किसके लिए, लूप बैक एड्रेस के लिए। एक्चुअली लूप बैक एड्रेस क्या होता है, ये पहले की टेक्नोलॉजी है, जब हमारे पास संसाधन कम होते थे तो हम लोग चेक करते थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं रहते थे कि नेटवर्किंग सही है या नहीं। इनफैक्ट अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन हमारे कंप्यूटर में आ रहा है बट इंटरनेट वर्किंग नहीं है। चेक करना है कि हमारे कंप्यूटर की NIC पोर्ट है ये वर्किंग है कि नहीं, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, बट ये जानना है कि इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम या हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप PIP डालोगे 127.0.0.1, तो अगर पिंग हो रहा है तो मतलब हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क सही है, कहीं ना कहीं कनेक्शन लूज है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, राइट? इसीलिए टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, तो नॉर्मली कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। ओके, इसी प्रकार आप क्लास बी में एक आईपी पाओगे, क्लास बी के रेंज में आपको मिलेगा क्या, 169.254 से ये आईपी मिलेगा, इसको हम APIPA आईपी बोलते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, APIPA, राइट? ये भी इनवैलिड आईपी होता है। एक्चुअली हमारी असाइनिंग मेथड जो होती है आईपी, दो तरह की हम असाइनिंग मेथड करते हैं, एक जो होती है स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक मतलब मैनुअली हमें असाइन करना होता है जो भी आईपी है, दूसरी होती है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होती है कि हमारे कंप्यूटर में जो आईपी मिल रही है वो DHCP सर्वर के द्वारा, डायनेमिक मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP सर्वर के द्वारा मिल रही है, तो वो ऑटोमेटिक आईपी मिलती है। तो अगर DHCP सर्वर से क्लाइंट को आईपी नहीं मिल रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उस केस में आपको इस रेंज का आईपी मिलेगा, इसी को हम APIPA आईपी बोलते हैं, राइट? तो बस आईपी एड्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? बहुत हम डीप में नहीं जाएंगे, यही बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना सबको मालूम होना चाहिए।
तो कैसा लगा ये ट्यूटोरियल आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।